भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह इन दिनों आरा में हैं, ये तो आप सभी जानते होंगे। और आप सभी को ये भी पता होगा कि पवन सिंह आरा में क्यों हैं। आरा में वो इसलिए हैं क्योंकि उनके छोटे भाई गुड्डू को एक लड़का हुआ है और इसी की खुशियां बांटने पवन सिंह आरा गए हुए हैं। लेकिन ये क्या, काम के सिलसिले में अचानक से पवन सिंह को, यानी कि अपनी फिल्म क्रैक फाइटर की शूटिंग के लिए पवन सिंह को आज ही रांची रवाना होना पड़ा। और रांची रवाना होते वक्त पवन सिंह की पत्नी और माँ फूट फूट कर रो पड़ी। आपको बता दें कि पवन सिंह अपनी पत्नी और माँ से लगभग 3 महीने से दूर है। 3 महीने से अपने काम के सिलसिले की वजह से पवन सिंह अपनी पत्नी और अपनी माँ से मिल न सके। पत्नी और माँ से बिछड़ते वक्त पवन सिंह भी भावुक हो उठे और रो पड़े। वैसे अपनों से जुदा होने का गम सभी को होता है, फिर वो स्टार हो या कॉमन मैन, सभी के लिए अपनी फैमिली मस्ट होती है। और पवन सिंह के लिए तो आप जान सकते हैं कि उनकी फैमिली उनकी जान है। वैसे इन दिनों पवन सिंह काफी बिजी हैं क्योंकि वो लगातार अपने फिल्मों की शूटिंग के साथ स्टेज शो कर रहे हैं। और आपको एक पवन सिंह से जुड़ी हुई और बहुत बड़ी खुशखबरी दे दें, आपको बहुत जल्दी ही न्यूज मिलेगी कि पवन सिंह के घर एक नन्हा पवन सिंह जल्द आ रहा है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।